स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट डिस्कशन करेंगे। देखो, नंबर ए, मैच द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कितना पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, तो मैच करना है। देखो, लिविंग थिंग्स कौन सा है, ये घर और ये बाढ़, ये लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स बेड, बैग, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। बी देखो, एनसार्किल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तुम्हें एनसार्किल करना है। ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड और लिप। एक प्लांट कैसे बढ़ता है, एक सीड से या फिर लिप से? ज़्यादा करके सीड से ही बढ़ता है, तुम्हें सीड में एनसार्किल करना है। नंबर टू, ए कैट गिव्स बर्थ टू किटन या फिर पपीज ओनली। जब कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैसे वो पैदा होते हैं, किटन, उनको किटन्स बोला जाता है। नंबर थ्री, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स नीड फूड। कौन किसको खाना चाहिए, लिविंग थिंग्स को। नंबर फोर, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो या फिर डू नॉट ग्रो। सारे लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। नंबर सी, डिफाइन द फॉलोइंग। देखो, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, द वे इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो लिविंग थिंग्स अपने जैसे ही एक ओन काइंड को पैदा करती है, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। नंबर टू, स्टोमाटा, स्टोमाटा किससे बोला जाता है, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। लिप्स के सरफेस में जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उनको बोला जाता है स्टोमाटा। नंबर थ्री, नेचुरल थिंग्स कौन सा है, थिंग्स दैट आर मेड बाय नेचर। जो भी थिंग्स नेचर बनाया है, उसको बोला जाता है नेचुरल थिंग्स। नंबर फोर, मैन मेड थिंग्स कौन सा है, थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन। जो मैन बनाता है, उसको बोला जाता है मैन मेड थिंग्स। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखो। नंबर वन, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपने खुद खाना बनाते हैं, ये ट्रू। नंबर टू, द प्लांट ग्रोस इनटू ए सीड, प्लांट्स जो है वो सीड से बढ़ता है, हाँ ये भी ठीक है, ट्रू। नंबर थ्री, ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते हैं, नहीं सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर फोर, प्लांट्स कैन ऑल्सो फील, प्लांट्स भी फील कर पाते हैं, हाँ प्लांट्स भी फील कर पाते हैं कि नहीं, जैसे कि फ्लावर और टच मी नॉट प्लांट। नंबर बी, आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड में तुम्हें आंसर लिखना है। नंबर वन, व्हाट आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमाटा, अभी बोली थी। नंबर टू, हाउ डू फिशेस ब्रीथ, फिशेस कैसे ब्रीथ करते हैं, फिशेस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स के सहारे वो ब्रीथ करते हैं। नंबर थ्री, हाउ डोज लायन ब्रीथ, लायन कैसे ब्रीथ करता है, लायन ब्रीथ थ्रू देयर लॉन्ग्स, अपने लॉन्ग्स के सहारे वो ब्रीथ करता है। नंबर फोर, नेम वन मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मैन बनाता है और वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका तुम्हें नाम लिखना है। मैं लिखी वहाँ पे टेबल, तुम्हें जो भी आएगा वो तुम्हें, जैसे कि टेबल, टेलीविजन और साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब जो भी लिखने से होगा। नंबर सी, ड्रॉ द फॉलोइंग ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, एक नेचुरल है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखो, ये जो माउंटेन है, माउंटेन नेचुरल है, हम बनाए हैं क्या, नहीं, नेचुरल है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है। ए नेचुरल लिविंग थिंग्स, नेचुरल है लेकिन लिविंग है, कौन सा है, ट्री या फिर बाग्स, ये जो भी तुम्हें यहाँ पे करने से होगा। मैं यहाँ पे की हूँ ट्रीज, ट्रीज नेचुरल है और लिविंग थिंग भी है। इसे लिविंग हुआ क्योंकि ये ग्रो कर पाता है,